तो दोस्तों टाटा आईपीएल 24 में चेन्नई सुपर किंग वैसे तो बाहर हो चुकी है, लेकिन बता दें कई बड़ी अपडेट्स चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बता दें कि हम चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं, क्योंकि हम हैं चेन्नई सुपर किंग का सुपर वाला फैन। जी हाँ दोस्तों, सीएसके जीते या हारे हमेशा हम सीएसके के सपोर्ट में रहते हैं। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग का सुपर वाला फैन तो हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सीएसके को लेकर, वो हमें सुपर चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों अब बात करें जो चेन्नई सुपर किंग के लिए कई बड़ी अपडेट्स निकल के आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा अपडेट है दीपक चाहर को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दीपक चाहर आईपीएल 24 में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किए हैं। जितना मुकाबला खेले उसमें उतना प्रभावित नहीं रहे, और इसके अलावा कई मुकाबला में इंजरी की वजह से बाहर रहे। और यह सिर्फ यह एक सीजन का बात नहीं है, एक दो सीजन देखे तीन सीजन तो इसी प्रकार से दीपक चाहर कर रहा है, हमेशा से इंजरी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार से एक दो मुकाबला खेलते हैं फिर बाहर होते हैं फिर आते हैं टीम में खराब परफॉर्मेंस करते हैं। और यह चेन्नई सुपर किंग के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि पथिराना थे तो बेहतर परफॉर्मेंस हो जाता था, लेकिन पथिराना चले गए तो फिर चेन्नई सुपर किंग के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसे में दीपक चाहर को 14 करोड़ देकर टीम में शामिल किया गया, और अपने दीपक चाहर हैं कि अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, माने या ना माने साल भर में लगभग यही कुछ मुकाबले खेलते हैं दीपक चाहर, क्योंकि टीम इंडिया से भी लगभग बाहर ही चल रहे हैं इंजरी की वजह से, लेकिन हमेशा इन्हें हैमस्ट्रिंग का ही खींचाव आता है और कुछ नहीं आता है, लेकिन हैमस्ट्रिंग आता है खराब फिटनेस की वजह से, अपने फिटनेस पर नया ध्यान देने की वजह से दीपक चाहर का यह हालात है। और चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट इनसे बेहद ही नाराज है, और बता दें कि दीपक चाहर का पत्ता कट सकता है सीएसके से। जी हां दोस्तों, मेगा ऑक्शन है, ऐसे में रिलीज करने वाली है चेन्नई सुपर किंग दीपक चाहर को, और बैक भी नहीं करने वाली है दीपक चाहर को आईपीएल 2025 के लिए। अब बेहद ही बड़ा फैसला ले चुकी है चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ के लेकर भी बेहद ही बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ अपने कैप्टेंसी से खुश कर चुके हैं मैनेजमेंट को। जी हां दोस्तों, एमएस धोनी भी संतुष्ट है गायकवाड़ के कैप्टेंसी से, कई खिलाड़ी इंजरी थे और वह टीम में नहीं थी, इसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी बेहतरीन था। और ऐसे में कुछ चेंजेस के बाद से चेन्नई सुपर किंग बेहतरीन टीम बन सकती है आईपीएल 2025 में, और इसी वजह से बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टन रहने वाले हैं अगले वर्ष भी। इसके अलावा बता दें कि एमएस धोनी के लेकर एक बेहद ही बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, कि वो एमएस धोनी जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिलाड़ियों के हाथ मिलाए ही वापस चल जाते हैं, बिना मिलाए ही वापस चल जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद बवाल मच गया है, और स्पोर्ट्समैन के लेकर स्पिरिट को लेकर बात की जा रही है कि कोई खिलाड़ी इसे कैसा कर सकता है, चाहे हारे या जीते उन्हें हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन एमएस धोनी ने बेहद ही गलत छवि बनाया है क्रिकेट को लेकर। लेकिन बता दें ऐसा कुछ नहीं है, एमएस धोनी बता दें कि वह अपने दर्द से परेशान है और उस वक्त वह खड़े नहीं हो पा रहे थे और इसी वजह से वापस चले गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जाकर सभी खिलाड़ियों से मिले हैं, विश्वास नहीं तो फोटो देख लीजिए, क्रिस गेल के साथ फोटो है, इसके अलावा कई खिलाड़ी है जो एमएस धोनी के साथ फोटो खिंचवाए हैं, और भले ही वो मैदान पर नहीं मिले लेकिन ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों से मिले हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट जुड़ा हुआ था चेन्नई सुपर किंग से, आपका क्या राय इसके लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।